Hello everyone, in this video I want to show you how to use where class searching query in SQLite database and taking input by user, यानी कि आपको यूजर के अनुसार क्या करना है, डाटा को डाटाबेस से निकाल करके देना है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक डाटाबेस है, इसमें क्या है, इस टेबल का नाम हमारे पास है स्टूडेंट वन नाम का टेबल है। इसमें मैंने एक आईडी बनाया है, ठीक है, नेम है, क्लास है और ईमेल है। आपको क्या करना है, यूजर के अनुसार आपको डाटा इसमें से निकाल करके प्रिंट कराना है। मान लीजिए यूजर ने डाल लिया कि मुझे अभी नाम को जो डेटा है उसका मुझे आईडी भी चाहिए, उसका मुझे क्लास भी चाहिए और उसका मुझे ईमेल भी चाहिए। इसी तरह मान लीजिए मुझे अनुज नाम को कोई एक स्टूडेंट है, उसका मुझे क्या चाहिए, आईडी भी चाहिए, उसका मुझे क्लास भी चाहिए और उसका मुझे ईमेल भी चाहिए। मतलब किसी का भी, जिसका भी चाहता है यूजर, उसका डाटा आपको निकाल करके देना है। तो कैसे देंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और पूरा डाटा आपको निकाल कर देना है, एक नहीं, सिर्फ क्लास नहीं देना है, आपको पूरा डाटा निकाल कर देना है। तो कैसे देंगे आपको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला फॉलो ये करना है आपको कि SQLite डाटा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इम्पोर्ट करना होगा। दूसरा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना होगा। मैं आपको बारी बारी सब प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले SQLite डाटा उसको इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ आना है, फाइल बनाएंगे और फाइल बनाकर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, SQLite डेटाबेस को। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा SQLite, मैं इसको क्या इंपोर्ट कर दिया, मैंने पहला काम हो गया। दूसरा क्या करना, मुझे यहाँ बनाना है कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना होगा। इसमें मैं बनाने वेरिएबल यहाँ पे काउंट नाम का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जैसे बना दिया, मुझे क्या करना, कनेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। कनेक्शन कैसे करें, SQLite से करने, उसके बाद मुझे लिखना होगा कनेक्ट जो हमारा फंक्शन उसके अंदर, और उसके बाद जो भी अपने डाटाबेस क्रिएट किया होगा उस डाटाबेस का आपको नाम लिखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एक SQLite डाटाबेस नाम का, मैं डॉट डीबी नाम का मैंने क्लास बनाया है फाइल, ठीक है, डाटाबेस, मैं उसमें क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया। मेरा जो कनेक्शन हो गया, इसको कनेक्शन हुआ कि नहीं आपको कैसे पता करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है। आपको यहाँ पे जैसे खोलेंगे डीबी ब्राउजर, यहाँ से जैसे मान लीजिए आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डीबी और यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर, आप जैसे आप आएंगे इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आप ओपन जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आएंगे ओपन डाटाबेस जाएंगे, ठीक है। डाटा पे जाने के बाद क्या करना पड़ा, अब जहाँ भी आपने इसको स्टोर किया होगा आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा यूजर पे, फिर मैंने जो बनाया जहाँ पे मैंने स्टोर किया वहाँ पे जाऊँगा। फिर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये पहचान प्रोजेक्ट, उसके अंदर जाऊँगा। उसके अंदर जाने के बाद फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा, फिर हमको जाना है SQLite के अंदर। फिर उसके अंदर मैं बनाया हूँ डाटा बेस SQLite डाटा बेस, मैं उसके अंदर जाऊँगा। अब मैंने क्या कि इसको कनेक्शन बना दिया है, अब मैं जो भी कुछ यहाँ डाटा लूँगा तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर जाऊँगा, अब मेरा डाटा बेस बन चुका है, ठीक है, मेरा कनेक्शन बन चुका है। अब मैं यहाँ पर तीसरा कनेक्शन का करना, तीसरा काम करना मुझे सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। कैसे सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन होता है वो देख लीजिए। तो करना क्या आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक लिखना है आपको ईमेल जो नेम है, क्योंकि नेम से मुझे मान लीजिए मुझे गेट करना है किस नाम का जितने भी डाटा है सारा मुझे मिल जाए। इसे मान लीजिए क्या करूँ, मैं एसटी नेम नाम का मैं बना दिया एक वेरिएबल, ठीक है। मैं इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बनाने के बाद मैं क्या करूँ, यूजर से, चूंकि मुझे सारा काम यूजर से लेना है, और चूंकि मान लो यूजर कुछ भी डाल सकता है, यूजर डालेगा क्या इनपुट में, मैं उसे बोलूँगा भाई तू अपना स्टूडेंट का नाम डाल दे जो भी तू डालना चाहता है, स्टूडेंट इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो वो क्या कर दिया, अपना डाटा अपने डाल लिया, उसने स्टूडेंट का नाम डाल दिया, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के उसने नाम डाला है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डाटा लूँगा, ठीक है, डाटा नाम को वेरिएबल लूँगा मैं। कोई मुझे क्या करना है, उसको डाटा को देना है ना, मैं उसको इंसर्ट कराऊंगा उसमें। तो मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा काउंट डॉट एग्जीक्यूट। अब मैं एग्जीक्यूशन के दौरान क्या कर सकता हूँ, मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट क्या करूँगा, किससे सिलेक्ट करूँगा, फ्रॉम स्टार मतलब होता है सब कुछ सिलेक्ट कर दो, सब कुछ सिलेक्ट कहाँ से करो, फ्रॉम मतलब से कहाँ से सिलेक्ट करना भाई, तो स्टूडेंट वन जो मैंने बनाया है डाटा टेबल उससे मुझे क्या करना है, सारा डाटा मुझे क्या करो सिलेक्ट कर दो। आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्टूडेंट वन मैंने ऑलरेडी बनाया है टेबल, तो मैं आपको यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्टूडेंट वन नाम का मेरा क्या टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे क्या करना है, स्टूडेंट वन नाम का, आप देख रहे हैं स्टूडेंट वन टू थ्री नाम बना हुआ है, क्योंकि मैं क्या किया हूँ स्टूडेंट वन ही सीट ओपन किया हूँ, इसमें मेरे सारा डाटा है। मैं इसमें से क्या करूँगा, सबको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसमें से कोई भी एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी नाम से, मतलब ये इसमें से कोई भी नाम डालेगा तो उसको डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसका क्लास से लेकर के उसका ईमेल से लेकर के उसका आईडी सब कुछ फाइंड कर सकता है, सिर्फ वो नाम डालेगा। लेकिन ऐसा नाम डालेगा जो इसमें है नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं डाटा, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कोई यार ऐसा नाम डाले कि जो मतलब इसमें हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उससे बोल लिया कि भाई स्टूडेंट वन से डाटा ले लो, उसने क्या किया स्टूडेंट वन से डाटा लेने का प्रयास किया। अब करना क्या, आपको पूछा अब आपको ये पता करना है कि किस आईडी से लेना चाहता है या किस नेम से लेना चाहता है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वो उसको नेम जो उसके नेम से फाइंड करे वो, तो मैं क्या करूँगा एसटी नेम कर दूंगा, ठीक है। जैसे वो नेम करेगा, नेम करने के बाद उसका नाम आपको चेक करना पड़ेगा उसमें कौन सा नाम उसका आईडी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे यहाँ पे तो उसका नाम में क्या है एसटी नेम है, तो आपको यहाँ पे ए वाला करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से डाटा आप ले पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ से आऊँगा
अब करना क्या है, आपको यहाँ पे इसके अंदर आना है, और इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक सिंगल मीटर का सिंगल का मतलब लिखना है आपको, क्या उसका नाम लिखना है, किसका नाम, प्लस करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसके अंदर लिखेंगे आप स्टूडेंट का नाम जो भी हमारा होगा, प्लस करके स्टूडेंट एस टी नेम, ये अपने का कि यहाँ पर कर दिया, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान दे, कमा और जो मैं इन्वर्टेड कमा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका जो है वो एरर आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। भाई आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पे आके एक बार से क्लोज कर देना, हमारा क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है। ये ध्यान रहे, यहाँ पे देख रहे हैं इसको कैसे क्लोज करना है, यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला है वो किसका है, इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और जो ए है हमारा पहला इन्वर्टर सिंगल वाला वो इसका क्लोजिंग पॉइंट है, और ये जो सिंगल डबल वाला है वो किसका है, इस जो एस टी नेम है उसका क्लोजिंग पॉइंट है, तो इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट कर लिया, वो अब करना कि आपको यहाँ फॉलो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा डाटा एक्सेस करना है, आपको एक डाटा एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सेस करना है, उसको यहाँ पे आईडी से लेकर के नेम से लेकर क्लास से लेकर ईमेल सब कुछ एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको आना होगा यहाँ पर नीचे, और आपको क्या करना, फार लूप यूज करेंगे, तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ फार कर दूंगा और एन कर दूंगा, और फिर क्या करूँगा, एन में कोई वेरिएबल ले सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ किस में करना चाहते हैं, डाटा में, डाटा के डाटा से लेंगे ना, डाटा तक चलाना है, इस लूप को डाटा में चलाना है, ठीक है। डाटा डाटा मतलब ये जो ले रहे हैं उसमें से, ठीक है। अब करना क्या, आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है, प्रिंट क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट एन को प्रिंट कर देना है, जैसे एन को प्रिंट करेंगे और यूजर कुछ भी नाम डालेगा तो आपको सारा डाटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पहले देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, मतलब इसमें एरर नहीं है, मैं डालूंगा इसमें नाम राजू, ठीक है, देखते हैं कि डाटा है कि नहीं है। देखिए राजू नाम का हमारा डाटा हो रहा है, देखिए उसका हमारा आईडी मिल गया, उसका नाम मिल गया, उसका क्लास मिल गया और उसका ईमेल भी मिल गया। इसे मान लीजिए उसके अलावा मैं कुछ और डाल दूँ, वो नहीं है, तो आपको एरर वो आपको दिखाएगा नहीं। मान लीजिए डाल दिया आपने राज, राज है ये नहीं है, मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। और आपको मान लीजिए यहाँ पे फिर आपको रन कर रहा, मान लीजिए अपने डाल दिया अनुज, अनुज है कि नहीं इसमें, अनुज जितना भी होगा सबका मिल जाएगा। देखिए अनुज नाम के मेरे पास दो डाटाबेस है, आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुज के नाम का एक नहीं दो डाटाबेस है हमारे पास, एक अनुज यहाँ पे, एक अनुज है जिसका दो आईडी है, दूसरा आईडी है, और एक अनुज जो है हमारा उसका है वो आईडी नंबर 3 है, एक अनुज जो हमारा है वो आईडी नंबर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने हैं, इससे मान लीजिए अभी है, ठीक है, अभी का आईडी कितना हमारा 6 है, इसका भी आप आईडी पता कर सकते हैं, किसका इसका डाटा कितना है, सारा डाटा का एक्सेस कर सकते हैं अभी के नाम से। मान लीजिए आऊँगा यहाँ पे, मैं इसका रन करूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पे अभी, ठीक है, ऐसे लिखूँगा मैं, देखिए इसका सारा डाटा मुझे मिल गया, 6 आईडी इसका नंबर है, अभी इसका नाम है, क्लास इसका ये है, 11th है, और ये ईमेल है इसका यह है। तो क्या कर सकते हैं आप, आसानी से इसमें से किसी भी डाटा को सिर्फ उसके नाम से, उसके आईडी से, मैंने सिर्फ उसको बोला कि उसका आईडी नाम डालो, उसका नाम से तुम पता कर सकते हो। यदि आप आईडी डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी डालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे भाई स्टूडेंट का तुम आईडी डालो, लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे तुम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, वरना आपको एरर मिलेगा, क्योंकि जो भी टाइप कास्टिंग जो भी यूजर डालेगा वो सब जाएगा इंस्टिंग में, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ ही मिलेगा, ठीक है। और ये करेंगे आप, और जो यहाँ पे एस टी नेम है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एस टी आई डी डालना पड़ेगा, क्यों एस टी आई डी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे क्या करना है, एस टी नेम नहीं, एस टी आपको आई डी डालना पड़ेगा, ठीक है, आई डी के नाम से अब करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डाटा का पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास आई डी है, आई डी के थ्रू अगर पाना है डाटा को तो मुझे यहाँ पे देखिए आई डी को चेक करना पड़ेगा, 6 नंबर पर आई डी कौन है, 2 नंबर आई डी कौन है, तो मान लीजिए उजन डाल लिया हम 2 आई डी है, 2 नंबर पर हमारा जो डाटा उजन मिल जाए तो आप ले सकते हैं आसानी से, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, 2 नंबर डालना है, ठीक है, इसमें मैं इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ठीक है, पहले चेक कर लीजिए है कि सही है कि नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट लेना है, स्टूडेंट 1 से आपको लेना है, और आईडी होना चाहिए, यह होना चाहिए स्टूडेंट आईडी, ए होना चाहिए। मैं यहाँ पे जब मान लीजिए रन करूँगा इसको, अगर एरर नहीं होगा, एरर हमारे पास नहीं है, बोला है कि आईडी का नाम डालो, मैं मान लीजिए डाल 1, अब 1 का जो भी डाटा होगा मुझे क्या मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको एरर मिलेगा। देखिए मैंने कहा कि इसको टाइप कास्टिंग नहीं किया था, इसलिए हमको क्या हो रहा है, एरर मिल रहा था, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एरर है वो नहीं मिलेगा। देखिए जो हमको एरर मिल रहा है, हमको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एस टी डी आई टी, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने टाइप कास्टिंग में एरर किया, हमने यहाँ दिखा रहा है टाइप एरर, यानी कि आपने क्या किया है, टाइप कास्टिंग सही से नहीं की, इसलिए हमको क्या हो रहा है, एरर मिल रहा है। आपको कहाँ टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा भी देख लीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट डाल रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई स्ट्रिंग में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा जो हमारा आई डी होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या जैसे टाइप कास्टिंग करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखिए हम मुझे पूछ रहा है क्या आईडी डालना चाहते हैं, मैं डालना चाहते हैं 1, जैसे 1 डालूंगा, देखिए मुझे मिल गया 1 का आईडी, मुझे मिल गया उसका नाम, उसका ईमेल, उसका सब कुछ मिल गया मुझे, 1 नहीं आप कुछ भी डालिए। इस मॉडल में यहाँ पे आऊँगा, मैं चाहता हूँ 6 पे क्या हमारा है, तो मैं आऊँगा और 6 है कि नहीं हमारे 6 पे देखते हैं, मुझे देखिए मिल गया 6 में क्या मिल गया अभी, ठीक है, अभी मिल गया हमको यहाँ पे 11 मिल गया, और हमारा @gmail.com देख सकते हैं कि 6 किसका आईडी हमारे पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 जो हमारा है, यहाँ पे जाएंगे
फिल्टर करेंगे यहाँ से, ठीक है। 6 नाम हमारे देखिए, अभी हमारा है, एक पे राजू है, 2 पे करेंगे तो अनुज मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 4 पे करेंगे अर्जुन मिल जाएगा आपको, 4 मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं और इसको फिर से रन करूँगा, पूछेगा आईडी डालो, आईडी का नाम क्या देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 4 डालो, 4 देखिए डाला था अर्जुन डाल दिया, 10 डाल दिया अर्जुन एट जीमेल डॉट कॉम कर लिया, मैं डालना चाहता हूँ 2 डालो तो 2 भी डाल दूंगा, यहाँ देखिए 2 डालूंगा मैं, 2 डाल दिया तो अनुज आ गया, 12 आ गया और अनुज एट द रेट जीमेल डॉट कॉम आ गया। तो यह रहा हमारा कैसे यूजर से इनपुट लेंगे और कैसे उसके अनुसार आपको क्या कर देंगे, डाटा को वहाँ से निकाल करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यह होता है हमारा क्या, जो हमारा वेयर क्लास यूज होता है, कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, बाकी क्या जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।